हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुषी। मेरे गोवा लाइफस्टाइल चैनल पर मैं आज आपका स्वागत करती हूँ। मेरी आज की रेसिपी बच्चों के लिए, प्रेगनेंसी के लिए और डायबिटीज पेशेंट के लिए खास होने वाली है। तो मेरी आज की रेसिपी है खजूर ड्राई फ्रूट रोल बर्फी। तो आप मेरा ये वीडियो ज़रूर देखना। खजूर ड्राई फ्रूट रोल बर्फी बनाने के लिए इधर मैंने 20-25 खजूर लिए हैं छोटे छोटे पीस के, और सभी ड्राई फ्रूट छोटे छोटे काट के लिए हैं। ये बादाम है, काजू, पिस्ता, किशमिश, 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच खसखस और थोड़ा 1 चम्मच घी। सबसे पहले मैं गैस की फ्लेम लो करके पिस्ता और खसखस थोड़ा कलर चेंज होने तक चलाएंगे। थोड़े तिल भी मैं गरम करके लेती हूँ। काजू, किशमिश, बादाम में फ्राई करके लेती हूँ। इसको मैं अच्छे से ब्राउन होने तक चलाऊंगी। पैन गरम है, इसमें मैं 1 चम्मच घी डालती हूँ और इसमें पिसा हुआ खजूर डाल के अच्छे से चलाऊंगी। ये 2-3 मिनट तक मैं उसको पकाऊंगी। ये देखो अच्छे से पक गए हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अभी मैं इसमें तिल और ड्राई फ्रूट डालूंगी। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि खजूर में पूरा ड्राई फ्रूट जम जाए। ये जो रेसिपी है वो बच्चों के लिए स्पेशल है, वैसे ही डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। जिसको डायबिटीज़ है उसको जब स्वीट खाने का मन कर रहा है तब वो ये रेसिपी खा सकते हैं, क्योंकि ये रेसिपी शुगर फ्री है। आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट खजूर में मिक्स हो गए हैं अच्छे से। अभी मैं गैस बंद करती हूँ। इसको मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र करती हूँ और ठंडा होने तक 2 मिनट तक रखूँगी। मैंने इसका रोल बना के लिया है। अभी मैं पिस्ता और खसखस में इसको कवर करके लेती हूँ। कवर करते वक्त इसको मैं हल्के हाथों से प्रेस करती हूँ ताकि इसको पिस्ता और खसखस अच्छे से चिपक जाए। इधर मैंने एक बटर पेपर लिया है, इसमें मैं बचा हुआ खसखस और पिस्ता डालूँगी और उसमें ड्राई फ्रूट रोल डाल के इसको बटर पेपर से अच्छे से कवर करूँगी। और अच्छे से सेट होने के लिए मैं इसको 20 मिनट फ्रिज में रखती हूँ। 20 मिनट बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाला है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से सेट हो गया है। अभी मैं इसको छोटे छोटे पीस में कट करती हूँ। ये देखो हमारी ड्राई फ्रूट खजूर रोल बर्फी तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इसका शेप भी आ गया है और खाने में बहुत टेस्टी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपके बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं तो इसको खजूर में रोल बना के खिलाइए। आपको ये रेसिपी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना और मेरे गोवा लाइफस्टाइल चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।